नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। पुलिस ने सरकारी देसी शराब के ठेके पर मारा छापा, बरामद की अवैध शराब। उत्तर प्रदेश के इटावा में एसएसपी के आदेश के बाद आगामी होली के त्यौहार पर पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी दौरान बलरई पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को आता देखा, उसकी तलाशी ली तो उसकी बाइक से 4 अवैध क्वार्टर बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस ने अन्य थानों में सहयोग लिया और आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक मकान पर अवैध तरीके से शराब बनाने का धंधा किया जा रहा है। इसके बाद 3 थानों के पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मकान पर छापा मारा तो भारी संख्या में अवैध शराब बरामद की गई। वही शराब पर लगाने वाले QR कोड भी बरामद किए गए, जिसके बाद घर में मौजूद आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह क्षेत्र में बने सरकारी शराब के ठेकों पर अवैध शराब को पहुँचाते हैं। आरोपियों के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचकर पुलिस ने शराब के ठेके से अवैध शराब बरामद की, जिसके बाद पुलिस के द्वारा सरकारी शराब का ठेका चलाने वाले दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया गया। वही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी तावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। 10 पेटी अवैध जो पौधे मिले हैं, लगभग 5 किलो के आसपास यूरिया मिले हैं, 2900 फर्जी जो आपके QR कोड होते हैं वो बरामद हुए हैं, 124 ढक्कन जो होते हैं जो कि बॉटल्स पे लगाए जाते हैं वो बरामद हुए हैं, और 3 अवैध टॉफ़ी बनाने वाले जो मशीन्स होती हैं वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त टॉफ़ी बनाने के लिए जो विभिन्न केमिकल्स और एसेंस होते हैं वो भी इनके कब्जे से हुआ है बरामद, 1 बजाज जो मोटरसाइकिल हुई है बरामद, और एक कंघा भी बरामद हुआ है जिसके द्वारा वो बॉटल पर ढक्कन लगाकर उसको वो सील करते थे। बिल्कुल, इसमें एक अभियुक्त है, उसका नाम अमरेश है, जो कि एक अनुज्ञापी भी है, और उसके नाम से एक देशी जो ठेका का दुकान है वो भी है, और वो क्या करता था कि उसका एक पार्टनर है महेश सिंह, उसके साथ मिलकर जो दुकान की जो भी शराब थी वो सब महेश सिंह के घर पे रखते थे और वहीं पर इनमें विभिन्न प्रकार से अपमिश्रित करके वो शराब को मार्केट में बेच रहे थे। क्या लग रहा है, ये जितनी बड़ी पुलिस ने सफलता हासिल की है तो ये आने वाले चुनाव में ये शराब इस्तेमाल की जा सकती थी? ये कहना तो मुश्किल है कि इसका इलेक्शन में उपयोग होगा, लेकिन ये है कि इसको दृष्टिगत रखते हुए हम बिल्कुल इस पर जो हम सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं, और जनपद में कहीं भी किसी भी जगह पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो सभी जो थानाध्यक्ष हैं वो सक्रिय है और इस पर जो है तत्परता से इस समय जो कार्रवाई की जा रही है, और जहां भी ऐसी सूचना मिलेगी उस पर हम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। पकड़ी हुई शराब की कीमत क्या आ गई है?